हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक इजी विद शीतल। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल का चीला। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मूंग की दाल छिलके वाली। इसे मैंने दो बार पानी से साफ किया और 4-5 घंटे के लिए भिगोया था। आगे हम लेंगे अदरक का छोटा टुकड़ा, 2 छोटी हरी मिर्च, धनिया पत्ता और जीरा। चलो तो फिर इस डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें चीले का बैटर बनाना है। उसके लिए मैंने भिगोई हुई मूंग दाल को एक मिक्सी के जार में निकाला है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चे इसे खाना चाहते तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। आगे हम ऐड करते हैं धनिया के पत्ते और थोड़ा सा जीरा। लास्ट में जाएगा स्वादानुसार नमक। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। इसको भी मैंने मिक्सी के जार में ऐड कर लिया है। अब इसको पीस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसे एकदम बारीक नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा ही पीस कर लिया है मैंने। ये है राइस फ्लोर। अब तैयार बैटर को एक बाउल में हम निकाल लेंगे और इसमें 2-3 चम्मच चावल का आटा भी डाल लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस डिश को आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के स्नैक्स टाइम में भी बनाकर खा सकते हो, या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी इसको बनाकर दे सकते हो। इस रेसिपी को बनाना एकदम ही ईजी है, खाने में उतना ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए उतना ही पौष्टिक भी है। यहाँ पर हमारा बैटर भी बनकर रेडी हो गया है। चीले के लिए मैंने नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया है। गैस की फ्लेम एकदम हाई रखी है और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाता है मैंने फ्लेम को धीमा कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम तेल डाल लेंगे तवे के ऊपर और किसी टिश्यू पेपर की मदद से हम इस तेल को तवे के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं ताकि चीला तवे से चिपके नहीं। आपके पास कोई भी नॉर्मल तवा हो वो भी चलेगा। अब तैयार बैटर को तवे के ऊपर एक बड़ी चम्मच की सहायता से हल्के से गोल गोल घुमा के उसको स्प्रेड कर लेना है। इसको हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और साइड से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। और जैसे ही चीला साइड से किनारे छोड़ने लगे और जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए हम इसे निकाल लेंगे। आप इसको एक साइड से भी सेक सकते हैं या फिर दोनों साइड से भी सेक सकते हैं। ये तरीका मैंने आगे के और एक चीला बनाकर आपको दिखाया है। हमारा चीला बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पर और एक तरीका दिखाया है जिसमें मैंने दोनों साइड से इसको सेका है। आपको बैटर तवे के ऊपर डालना है। गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। इसको चम्मच से गोल गोल घुमा के स्प्रेड कर लेना है। साइड से तेल डाल लेना है और गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। और जैसे ही चीले के किनारे छूटते हैं आपको इसको पलट देना है। और जैसे ही दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार हो जाता है हमारा चीला, आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। इसे दही, सॉस या फिर अचार के साथ आप खा सकते हो। आप भी इसे बनाइए और खाइए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।